भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ा रहा हूं मैं। और इसके पहले वाले वीडियो में जो पार्ट वन था उसमें मैंने सात बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ाई। मैंने बताया था कि बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का अर्थ होता है बड़े बांध, नदियों का पानी रोकने के लिए बड़े बांध, ताकि पानी को इकट्ठा किया जा सके, जो पानी बह जाता है समुद्र तक उसे रोका जा सके, ताकि सिंचाई, बिजली बनाने, मछली पालने और पेयजल पीने के लिए उपयोग में उसे लाया जा सके, है ना। सबसे बड़ी उसकी आवश्यकता होती है सिंचाई। सिंचाई की आवश्यकताओं के चलते ही किसी नदी के पानी को बांध बनाकर रोक दिया जाता है, ताकि नहरें निकालकर खेतों तक पहुंचाया जा सके पानी को। छह बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय मैंने पढ़ाया। सातवां है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हेडिंग डाल दीजिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पॉइंट्स लिखवाने से पहले थोड़ा सा इसे समझा दूं। सतलज नदी और उसकी सहायक व्यास नदी, है ना। सतलज और व्यास दोनों पंजाब में कपूरथला के निकट मिलते हैं। सतलज और व्यास कपूरथला के निकट मिलते हैं। वहां पर क्या किया गया है कि दोनों का जहां संगम होता है एक बांध बना दिया गया है, उसका नाम है हरिके बैराज। बांध बनाकर पानी को इकट्ठा कर लिया गया है, हरिके बैराज कहते हैं। उसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इसका उद्देश्य ये था, राजस्थान में एक तो मानसून पहुंच नहीं पाता है, खासकर पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल सूखा रह जाता है। पश्चिमी राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक जो जिले हैं वह हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। रिपीट कर दूं, ये जानने लायक चीज है, याद रखिए। पश्चिमी राजस्थान में जो पाकिस्तान सीमा से लगे हुए जिले हैं उत्तर से दक्षिण तक ऐसे हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये राजस्थान के बहुत ही सूखे जिले हैं। जैसलमेर में वार्षिक वर्षा 8 या 10 सेंटीमीटर वार्षिक होती है, जहां केरला में 250 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा होती है केरला में, वहीं जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम वर्षा दर्ज की जाती है। अब यहाँ पर आबादी एक तो बहुत कम पाई जाती है, क्यों? क्योंकि पानी नहीं है, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं हो पेयजल की भी समस्याएं उभर जाती हैं। तो पश्चिमी राजस्थान को आबाद करने के लिए, ताकि वहां पर भी खेती की जा सके और जनसंख्या बसाई जा सके, इसका एकमात्र उपाय है वहां पर पानी उपलब्ध करवा देना। इसके चलते इंदिरा गांधी नहर निकालकर बाड़मेर जिले तक भेजी गई है ना। तो अब इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना पहला पॉइंट लिखिए। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। दूसरा पॉइंट, अर्थात दूसरे शब्दों में इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी जिलों, राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जिलों अर्थात सूखे जिलों अथवा पाकिस्तान सीमा से सटे हुए जिलों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। पंजाब में सतलज, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, पंजाब में सतलज और व्यास नदी कपूरथला के निकट जहां मिलते हैं वहां पर हरिके बैराज नामक एक बांध बनाकर पानी को एकत्रित कर लिया गया है। हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसे हम कहते हैं राजस्थान फीडर नहर। हरिके बैराज से जो नहर निकाली गई है उसे राजस्थान फीडर नहर कहते हैं। राजस्थान फीडर नहर ही इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति करती है। यहां से जो नहर निकली उसे राजस्थान फीडर कहते हैं और वही नहर इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के मुख्य रूप से चार जिलों को जल की आपूर्ति करती है, उत्तर से दक्षिण की ओर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को जल की आपूर्ति करती है। इससे वहां पर सिंचाई सुविधा और पेयजल की आपूर्ति होती है। इंदिरा गांधी नहर के चलते ही राजस्थान के पश्चिमी जिलों में खेती संभव हो सकी है, ठीक है। थार मरुस्थल का क्षेत्र होने के चलते भी
यहाँ पर खेती करना संभव हो सका है। यहाँ तक कि कपास जैसी जो वाणिज्यिक फसल होती है वो भी उगाई जा रही है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कपास भी उगाया जा रहा है। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए टिहरी बांध परियोजना। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक एक परियोजना को इतना विस्तार से क्यों समझा रहा हूं। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा ऐसा सोच रहे हो, तो कई बार कथन कारण या चार सेंटेंस आ जाते हैं, सही और गलत की पहचान करनी होती है। केवल बांध का नाम और कौन सी नदी पर है, कौन सी राज्य में है, ये रट लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ परियोजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा डिटेल में नहीं जानेंगे तो फिर मेरे साथ पढ़ाई करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर आप किताब पढ़िए, गाइड पढ़िए। मेरे साथ पढ़ना है तो कुछ खास जो परियोजनाएं हैं उनके विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ताकि चाहे आईएएस का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का, जब भी आपसे आपके ज्ञान का परीक्षण किया जाए तो आप फिसड्डी साबित न हो। केवल ऐसे लटके जाएंगे कि इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान में, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है ना, तवा परियोजना मध्य प्रदेश में, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में, इस तरह से लटके जाएंगे। तो इस तरह से तो लोशन पढ़ के भी रटा जा सकता है। मेरे साथ पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे साथ पढ़ना है तो परियोजनाओं को थोड़ा सा जो खास खास परियोजना है ध्यान देना पड़ेगा। अगला हिंट डालिए, घबराइए मत, अगले ही वीडियो में मैं पूरे इंडिया के मैप में जितने भी परियोजना हैं सबका नाम लिख दूंगा, और ये भी लिख दूंगा कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है, एक साथ सारी परियोजना और बांध के नाम में बता दूंगा। लेकिन 10-12 जो खास खास हैं उनके विषय में जान लीजिए। अगला हेडिंग डालिए टिहरी बांध परियोजना। टिहरी पहला पॉइंट, उत्तराखंड राज्य में। दूसरा पॉइंट, भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर बनाया गया है या बनाया जा रहा है, अभी निर्माणाधीन है। इन दोनों नदियों के, गंगा भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से बनती है ना, जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है तो गंगा नदी बन जाती है। तो भागीरथी की एक सहायक नदी है भीलांगना, तो भीलांगना जहां पर भागीरथी से आकर मिलती है वहां पर टिहरी बांध बना लिया है पानी को रोककर, हिमालय का क्षेत्र है पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, टिहरी बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूरा हिमालय कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा हिमालय भूकंप जोन या भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत आता है, जो कि भूकंप के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। पूरा हिमालय भूकंप के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है, अर्थात यहां पर रिक्टर स्केल पर 8 या अधिक तीव्रता के भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। रिक्टर स्केल पर 8 या अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना भी बनी रहती है। ठीक है, तो चूंकि पूरा हिमालय भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है इसलिए टिहरी भी भूकंप जोन 5 पर बसा हुआ है। अगर यहां पर 8 या अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो बांध टूटेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यहां पर है, बांध टूटेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी बाढ़ से डूब सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बांध है टिहरी, इसमें इतना सारा पानी है कि अगर टूटा भूकंप के चलते तो दिल्ली भी डूब सकता है। दिल्ली निचले क्षेत्रों में है और ये पहाड़ पर बसा हुआ है, सारा पानी सरक कर नीचे चलाएगा है ना। भूकंप जोन का जिक्र आ गया है तो जान लेते हैं, पहले देश में 5 भूकंप जोन हुआ करते थे। पहले देश में 5 भूकंप जोन हुआ करते थे, यहाँ पर शॉर्ट में मैं बता दूं। ठीक है, 5 भूकंप जोन हुआ करते थे जिनमें से भूकंप जोन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5 थे। कुछ वर्ष पहले भूकंप जोन 1 को समाप्त कर दिया गया, जो भूकंप जोन 1 उसे समाप्त कर दिया गया, इसलिए अब कितने भूकंप जोन बचे भारत में, भूकंप जोन 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 4 भूकंप जोन है, याद रखिएगा। पहला भूकंप जोन कौन सा है, 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा भूकंप जोन कौन सा है, भूकंप जोन 5, इस तरह से याद रखिएगा क्योंकि पहला काट दिया गया है। तो जो सर्वाधिक इसमें कम तीव्रता के भूकंप आते हैं 2 में,
तीन में थोड़ा अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं, भूकंप जोन चार में और अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं, भूकंप जोन पांच में सर्वाधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। भूकंप जोन पांच में रिक्टर स्केल पर 8 या अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। भूकंप जोन भारत में 4 भूकंप जोन है, तो जो भूकंप जोन 5 है, 2, 3, 4, 5, भूकंप जोन 5 के अंतर्गत तीन तरह के क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा हिमालय, पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र। और अगला क्षेत्र है जो कि भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, वो है गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र। भुज भूकंप याद है ना, 2001 में आया था भुज भूकंप। भुज पड़ता है कच्छ क्षेत्र में, यहां पर पड़ता है ये भुज। जब भुज में भूकंप आया था तो सड़कें टूट चुकी थी, सारी इमारतें ढह गई थी, सड़कों में बड़े बड़े दरार पड़े थे। इतना विनाशकारी भूकंप था कि उसके बाद से ही भुज को भूकंप जोन 5 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। तो ये हो गया, हम फिर से रिपीट करते हैं, भूकंप जोन 5 के अंतर्गत पूरा हिमालय, नेपाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र, पूरा पूर्वोत्तर भारत और गुजरात का कच्छ इलाका, कच्छ क्षेत्र में ही भुज है। तो हमने बताया कि भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आने के चलते ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र में है, जिसके चलते इसकी स्थिति बहुत ही खतरनाक है। अगर भूकंप आया 8 रिक्टर से अधिक का, रिक्टर पैमाने पर 8 से अधिक आया तो टूट सकता है। अगला आप देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा नदी के विषय में कुछ रुचिकर फैक्ट हमें याद आ गए हैं, हम आपसे साझा करना चाहते हैं। नर्मदा नदी के बारे में पहले 2-3 फैक्ट हम लिख लेते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। भारत की नदी वही कही जाएगी जिसका उद्गम भारत से होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र भारत की नदियां नहीं है, वे अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। क्यों? क्योंकि तिब्बत से निकलते हैं। भारत की नदियां वह हैं जो भारत से ही निकलते हैं। तो नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, ठीक है। डैश नंबरिंग कर लीजिए, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, सॉरी कृष्णा के बाद यमुना और नर्मदा। नेक्स्ट पॉइंट, गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट पॉइंट, अरब सागर में जल गिराने वाली नर्मदा भारत की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में जल गिराने वाली नर्मदा भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा का जल ग्रहण क्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है, मध्य प्रदेश, बीच में थोड़ा सा महाराष्ट्र में आता है और गुजरात में। जल ग्रहण क्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है, MP, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा का 86% जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में, 12% जल ग्रहण क्षेत्र गुजरात में और मात्र 2% जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? कोई भी नदी अकेले नहीं बहती है, जब नदी बहती है तो उसके साथ अन्य धाराएं या सहायक नदियां भी उसमें आके मिलती हैं। सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती हैं। इस तरह से ये पूरा क्षेत्र एक मुख्य नदी द्वारा अपवाहित किया जा रहा है, अर्थात बहाया जा रहा है ये पूरा क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। तो नर्मदा नदी का 86% जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में, 2% महाराष्ट्र में और 12% जल ग्रहण क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। नर्मदा नदी या नर्मदा नदी तंत्र के जल का उपयोग करने के लिए नर्मदा घाटी परियोजना तैयार की गई। नर्मदा नदी के जल का उपयोग करने के लिए नर्मदा घाटी परियोजना तैयार की गई। इसके तहत बहुत से बांधों का निर्माण किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। नर्मदा नदी पर बहुत से बांधों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इनमें से 4 प्रमुख हैं। इनके नाम लिख लीजिए, नर्मदा सागर परियोजना, उसके पश्चिम में ओमकारेश्वर परियोजना,
उसके पश्चिम में माहेश्वर परियोजना और उसके पश्चिम में सरदार सरोवर परियोजना। इन चारों में से जो पूरब के तीन है, नर्मदा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और माहेश्वर परियोजना, ये तीनों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ये तीनों एमपी में पड़ते हैं। और जो सरदार सरोवर परियोजना है ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नर्मदा नदी कैसे क्षेत्र में बहती है? घाटी में, रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, यानी दोनों तरफ से उठी हुई ढाल है और बीच में गहरा क्षेत्र है, उसमें नर्मदा नदी सरसराती हुई बहुत ही तीव्र गति से बहती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र नहीं है, ढलान वाला इलाका है। तो यहाँ पे एक आइडिया ये आया कि नर्मदा नदी का जल बहुत ही तीव्र गति से बहता हुआ अरब सागर में गिर जाता है। जब बरसात होती है तो पानी खूब रहता है, बरसात जब खत्म होती है तो नर्मदा नदी का सारा पानी बह के चला जाता है अरब सागर में। साल भर नर्मदा नदी में पानी रहता है लेकिन मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, खासकर मानसून काल के बाद, सूखे मौसम में इसमें जल की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। तो एक विचार आया कि क्यों ना नर्मदा नदी पर बहुत सारे बांध बनाकर उसका पानी शुष्क मौसम के लिए इकट्ठा रखा जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी का सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इसे नर्मदा नदी के सबसे निचले इलाके में बनाया गया है। कोई भी नदी सबसे ऊपर वाले इलाके से बहना शुरू करती है और नीचे की तरफ बहती है ना, तो इसे नर्मदा नदी के सबसे निचले इलाकों में गुजरात में बनाया गया है, ताकि यहां पर एक बांध बनाकर दीवार खड़ी करके मजबूत पानी को उसकी घाटी में ही रोक लिया जाए। नर्मदा नदी ऐसी घाटी में बहती है ना, दोनों तरफ से तीव्र ढलान वाली घाटियां हैं, इसमें जल नदी का ये जल है। तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर नामक बांध बना के यहां पे नर्मदा नदी का पानी रोकने का विचार आया कि यहाँ पे बांध बना लिया जाए तो सारा का सारा पानी घाटी में भरा रहेगा लबालब। इतना ही नहीं, जितनी बांध की ऊंचाई होगी, बांध की ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी, पूरे घाटी में नर्मदा नदी का जल स्तर भी ऊंचा उठ जाएगा और उसका प्रयोग सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए किया जा सकता है, ये ऐसा विचार आया। तो अगला हेडिंग आप डालिए, अभी तक तो जितना पढ़ाया उसके बाद हेडिंग डालिए सरदार सरोवर परियोजना, इसके बारे में 4-6 फैक्ट लिख लीजिए, काम देता है, हमेशा पूछा जाता है। इनमें से सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीनों तो है ही, चौथा राज्य है राजस्थान। जैसे पश्चिमी गुजरात सूखा क्षेत्र है वैसे ही पश्चिमी राजस्थान भी सूखा क्षेत्र है, तो इस परियोजना में राजस्थान को भी शामिल कर लिया गया। संयुक्त परियोजना मतलब क्या होती है? इसके निर्माण में जो खर्चे हैं वो चारों राज्यों द्वारा दिए जाएंगे, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, और जब ये तैयार हो जाएगा तो यहां से नहरें निकालकर राजस्थान में भी भेजी जाएंगी ताकि राजस्थान के सूखे इलाकों में सिंचाई हो सके। ये होती है परियोजना, बहुद्देशीय परियोजना। तो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इतना लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, सरदार सरोवर परियोजना का सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलेगा। जब यह परियोजना तैयार हो जाएगी तो इसका सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलेगा, क्योंकि बांध बन जाने के पश्चात जलाशय का पानी नहरों के माध्यम से गुजरात के पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में भेजा जा सकेगा। गुजरात का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर वर्षा नहीं होती है, उतना ही सूखा रहता है जितना राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा लाभ गुजरात को मिलेगा, क्योंकि बांध बन जाने के बाद जो जलाशय बनेगा, जलाशय से नहरें निकालकर राजस्थान के सॉरी गुजरात के पश्चिमी भागों की सिंचाई की जा सकेगी और वहां पे फसलें उगाई जा सकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सरदार सरोवर परियोजना का सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा घाटा मध्य प्रदेश को होगा। जब ये बन जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इससे मध्य प्रदेश को होगा। क्यों? क्योंकि जब बांध बन जाएगा तो उसके पीछे नदी का जल स्तर ऊंचा उठेगा अपनी घाटी में, बांध उसके पानी को रोकेगा तो बांध के पीछे नदी का जल स्तर अपनी घाटी में ऊंचा उठेगा। जल स्तर जैसे जैसे ऊंचा उठेगा एक बहुत बड़े भूभाग को बाढ़ की चपेट में ले लेगा, हमेशा हमेशा के लिए वो क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, चूंकि मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र वनाच्छादित है, सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है ना, तो मध्य प्रदेश का ये अरावली सॉरी सतपुड़ा पर्वत का क्षेत्र है, सतपुड़ा पहाड़ी का क्षेत्र है, तो ये पूरा जंगली क्षेत्र है।
तो जब यहाँ पे जल स्तर ऊंचा उठ जाएगा और एक बृहद भूभाग जल में डूब जाएगा तो यहाँ पर पर्यावरणीय संकट पैदा होंगे, जैसे स्थानीय जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे, जल में डूबकर कालकवलित हो जाएंगे। दूसरा, किसी भी क्षेत्र का एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जब कुछ प्रजातियां विलुप्त होती हैं तो दूसरी प्रजातियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी संकट पैदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा भूभाग जल में डूबने से पारिस्थितिकी संकट पैदा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तीसरा, जंगलों में जनजातियां रहती हैं, स्थानीय जनजातियां, जनजातियों की पुनर्वास की समस्या उभरेगी कि उन्हें उठाकर कहां पर रखा जाए, कहां पर बसाया जाए, तो बहुत सारी समस्या उभरनी है जब ये बांध बनकर तैयार हो जाएगा। तैयार तो हो ही रहा है, बीच में ये मुद्दा भी छा गया था कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई और बढ़ाई जाए, क्योंकि इसका लाभ तभी मिलेगा जब बांध की ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी, तभी जलाशय में लबालब पानी भरा रहेगा और नहरों से निकालकर दूर तक के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सकेगा। किसी बांध से नहर की लंबाई इस पर निर्भर करती है कि बांध की ऊंचाई क्या है। बांध की ऊंचाई जितना ही अधिक होगी, नहरों में पानी उतना ही दूर तक जाएगा। अगर बांध छोटा बनाएंगे तो फोर्स कम रहेगा, फोर्स कम रहेगा तो नहरों में पानी दूर तक नहीं जा पाएगा। तो एक विचार ये आया था कि बांध की ऊंचाई अधिक से अधिक बढ़ा दी जाए, जिससे जलाशय में पानी ऊंचे स्तर तक भर जाए। और जब नहरें निकाली जाएंगी तो राजस्थान वाली नहर जैसलमेर तक पहुंच जाएगी और गुजरात वाली नहर कच्छ के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में पहुंच जाएगी, है ना। लेकिन इससे समस्या और गहरा गई, इसका विरोध होना शुरू हो गया। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध होना शुरू हो गया कि अगर इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी तो और बड़ा भूभाग जल में डूब जाएगा। इसके चलते तमाम पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और मानवीय समस्याएं उभरेंगी। तो परिणाम ये हुआ कि सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हो गया। 90 के दशक की बात है, सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में 90 के दशक में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हो गई। इस आंदोलन के दो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, दो नेता थे, एक मेधा पाटकर और दूसरा बाबा आमटे। ठीक है, काफी लोकप्रियता मिली थी इनके आंदोलन को। आज एक और पढ़ लेते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना। हेडिंग डालिए केन बेतवा लिंक परियोजना, हाल में समाचारों में सुर्खियों में छाया रहता है, सवाल कभी भी उठ सकते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसमें का खास बात क्या है, पहला पॉइंट लिखिए, ये है बेतवा। ठीक है, और ये है केन। पहला पॉइंट लिखिए, बेतवा और केन दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना गंगा की सहायक नदी, ये गंगा है उसकी सहायक नदी यमुना, और यमुना की सहायक नदियां बेतवा और केन, तो दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों नदियां मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। इस परियोजना के अंतर्गत यह विचार आया कि अगर बेतवा और केन नदियों को नहर बनाकर जोड़ दिया जाए, एक नहर के माध्यम से बेतवा और केन नदियों को जोड़ दिया जाए, तो जब इसमें पानी की कमी रहेगी तो पानी इसमें से इसमें भेजा जा सकेगा, और जब बेतवा में पानी की कमी रहेगी तो केन से बेतवा में पानी भेजा जा सकेगा। इस तरह से यह पूरा क्षेत्र जल की उपलब्धता का क्षेत्र बन जाएगा, है ना। इसके आसपास जल, इसके आसपास जल, और साथ ही नहर के माध्यम से अंदरूनी क्षेत्रों में भी जल भेजा जा सकेगा। क्यों? क्योंकि नहर में दोनों नदियों का जल होगा, बेतवा का भी और केन का भी, है ना। नहर ऐसे ही नहीं निकाली जाएगी, यहां पर डैम बनाया जाएगा। कहां पर? यहां पर डैम बनाया जाएगा, और यहां पर डैम बनाकर पीछे की घाटी जो है वहां पर जल स्तर ऊंचा कर लिया जाएगा। पीछे की घाटी का जल स्तर ऊंचा कर लिया जाएगा। जब जल स्तर ऊंचा होगा तो नहर में फोर्स होगा पानी का, परिणामस्वरूप इन सभी क्षेत्रों में पानी नहर के माध्यम से पहुंचाया जा सकेगा, है ना। तो ये विचार आया कि बेतवा और केन नदियों का पानी नहर के माध्यम से जोड़ लिया जाए। और ये पूरा भूभाग कैसा भूभाग है? बुंदेलखंड का इलाका है, ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका है यमुना के दक्षिण में। तो इससे पूरे बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्र में, बुंदेलखंड में वर्षा नहीं होती है, तो इससे पूरे बुंदेलखंड के शुष्क भूभाग में कृषि कार्य के लिए, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, और साथ ही पेयजल भी बढ़ेगा इन क्षेत्रों में।
तो ये परियोजना 2005 में स्टार्ट की गई थी, लिखते जाइए 2005 में केन बेतवा लिंक परियोजना स्टार्ट की गई थी। हाल ही में बनकर ये परियोजना तैयार हो गई है, जिसके तहत दोनों नदियों को एक नहर के माध्यम से जोड़ दिया गया है, ताकि बुंदेलखंड की सूखे की समस्या से निजात पाया जा सके। वास्तव में केन बेतवा लिंक परियोजना महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना का ही शुरुआत है। बहुत पहले विचार आया था कि देश के पूर्वी भाग में जल अधिक है, पश्चिमी भाग में जल कम है, इसी तरह उत्तरी भाग में जल अधिक है और दक्षिणी भाग में जल कम है। ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत की नदियां वर्षवाहिनी है, ग्लेशियर से जल पाती हैं, तो उत्तर भारत में जल ज्यादा है, दक्षिण भारत में जल की कमी है। इसी तरह नदियां बहकर पूर्व में आती हैं, तो पूर्वी भारत में भी जल अधिक है और पश्चिमी भारत में जल की कमी है। तो ये विचार आया था कि क्यों ना उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से और पूर्वी भारत की नदियों को पश्चिमी भारत की नदियों से यदि जगह जगह डैम बनाकर नहरों के माध्यम से जोड़ दिया जाए, तो न केवल बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी, बल्कि सूखे की समस्या से। क्यों? क्योंकि पूर्वी भारत में बाढ़ अधिक आती है, पश्चिमी भारत में सूखा पड़ता है। तो अगर पूर्वी भारत का जल नहरों के माध्यम से स्थानांतरित करके एक नदी से दूसरी नदी में, दूसरी नदी से तीसरी नदी में, तीसरी नदी से चौथी नदी में नहर के माध्यम से भेज दिया जाए, तो पश्चिम भारत में सूखा समाप्त हो जाएगा और पूर्वी भारत में बाढ़ समाप्त हो जाएगी, है ना। तो नदी जोड़ो परियोजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और कई उद्देश्यों को साथ लेकर चलने वाली परियोजना है। ये बहुत ही खर्चीली परियोजना है, अभी तक वास्तविक रूप में इसकी शुरुआत नहीं की जा सकी। जो नदी जोड़ो परियोजना है, अलग से हम कभी पढ़ा देंगे, इसमें बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं समझने के लिए, निबंध भी आता रहता है, हम पढ़ा देंगे आराम से एक दिन। फिलहाल तो हम जितना बता रहे हैं, अगर उतना भी लिखेंगे तो एक अच्छा निबंध तैयार हो जाएगा। तो जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, वो नदी जोड़ो परियोजना का ही प्रारंभिक चरण मान सकते हैं उसे। नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति के नाम दिया गया है, पूछा जा चुका है। तो ये हो गया, आज हमने तीन चार परियोजनाएं पढ़ाई, जिसको इंटरेस्ट जगह होगा उसे, या समझ में आया होगा उसका इंटरेस्ट जगह होगा, अगर कुछ लोगों को हो सकता है बोरिंग भी लगा हो जैसे भी। तो मैं अगले वीडियो में भारत की सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को एक साथ समेट दूंगा, आपको एक जगह पे सारी परियोजनाएं, कौन सी नदी, कौन सा राज्य, ना राज्य और नदी के नाम के साथ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला जो वीडियो पर पढ़ाएंगे वो होगा भारत में सिंचाई तालाब द्वारा, नलकूप द्वारा और नहरों के द्वारा। बाद में थोड़ा सिंचाई पढ़ा लेंगे, सिंचाई के अलग अलग प्रकार होते हैं वो पढ़ा लेंगे, जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, कमान क्षेत्र का विकास, तो थोड़ा सा सिंचाई पढ़ा के फिर कृषि वाले एरिया में प्रवेश किया जाएगा। ओके, नमस्कार।